हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है थर्सडे एंड राइट नाउ टाइम इज 9:30 एंड मैंने अपना ब्लॉग अभी से शुरू किया है। अनाया हमारी अभी अभी नहा कर आई है। अमन ने इसको शावर दिलवाया है एंड ये है हमारा, कहाँ गया आरव? वो हमारा आरव नीचे लेटा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए इस बच्चे को। एंड मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी सो के उठी हूँ स्कूल से आकर। चाय पीकर मैं सो गई थी, इतनी थकावट हो जाती है, फिर होता है कि एक बार थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उठ के सारे काम कर लूँगी। एंड अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, दिख रहे हैं मुझे, पर मैं झट से निपटा लूँगी। सो या चलिए जी, शुरू करते हैं काम। सो पहले मैं इस टेबल को थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ। सो चलिए जी, टेबल तो हो गया है हमारा क्लीन। ये डिशेस करनी है मुझे, पहले मैं ये वाली डिशेस लगा देती हूँ। और आज मुझे बनानी है मूंगी और मसूर की दाल। काफ़ी दिन हो गया नहीं बनाई, हल्की होती है रात को, तो बना ही लेती हूँ। ये रखी, एक कटोरी हमारी फैमिली के लिए सफिशिएंट रहती है। मतलब हम ना दाल सब्जी खुली खा लेते हैं, रोटी कम। ये मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रखी है, इसको रखते हैं बैग। ये बच्चों ने शोर मचा के रखा हुआ है, अभी इनको लगाने की बारी। खीरा खीरा वगैरह काट ले। अमन आई है मेरी हेल्प करने के लिए, इसको हटा के इसको पानी को निकालते हैं। आरव को लग रही है भूख, पहले आरव के लिए खाना बनाते हैं। या आई एम मेकिंग। अभी आरव को खानी है, चीज पराठी। कहता है मैं रात को तीन खाऊंगा, दो एक खाता है तीन खाएगा, और वो भी चीज पराठी है। टम्मी हर्ट हो जाएगा रात को। टू इज फाइन। एंड अमन इधर टोमेटो कट कर रही है। अमन मेरी हेल्प कर रही है, थैंक्स टू अमन। ऐसी लड़की हर घर में होनी चाहिए। अमन एक प्याज भी काटे, हाँ छोटा ही। तो को हाल देख लो। ओ माय गुडनेस, वो छोटी है। हे रब्बा, नो यू आर हिटिंग हर आरव। मैं अभी सारा कुछ क्लीन करके गई थी, टेबल यहाँ पे क्यों रखा? रोली पोली, ये इसको भी मजे आते हैं। अगर मैं थोड़ा सा डांट दूं फिर रोने लग जाएगी। आरव के साथ लगी पड़ी है शरारतें करने। ये छोटा ब्लैंकी यहाँ पे कैसे आया? अब रोली पोली नहीं ना खेल रहे? हाँ नो नो नो, अब रोली पोली नहीं खेल रहे। सुनता ही नहीं है। हाँ इसको देखो, इसको देखो, बड़ी जान है ना इसमें। ओए गिरी 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 आरव, शरारतें कर रहे हैं बच्चे। और अनाया ने ना ये सारे एनवेलप खराब कर दिए। मैंने यहाँ पे साथ में ना कुकर भी रखा है, मैं साथ में दाल को तड़का लगा देती हूँ और आरव का परांठा भी बनाऊंगी। अमन हेल्प कर रही है, काम जल्दी हो जाएंगे। ओह इसमें तेल खत्म। ओके
मैंने इसमें ज़ीरा, धनिया एंड अजवाइन डाल दी है। टाइम देखिए 9:47 का हो रहा है। आर ऑफ दैट्स इनफ इनफ। अभी हंस रही हो ना, थोड़ी देर बाद रोओगे फिर। प्याज, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी सभी कुछ डाल दिया है। टमाटो भी डाल दिए थे, ग्रीन चिली। अभी ना मैं वो साथ साथ में तड़का हो रहा है और मैं आरव का पराठा बना देती हूँ। ये शरारते करने में लगे हुए हैं। 10 बजे का टाइम है, रात को पिलो फाइटिंग खेल रहे हैं। कुशन फाइटिंग, पिलो भी क्या, कुशन फाइटिंग। मैं इनको देख रही हूँ। रोओगी ना या फिर तुम रोना शुरू कर दोगी? तो बस मैं अभी परांठा बनाती हूँ। अनाया, यू वांट चीज परांठी और प्लेन परांठी? प्लेन और चीज? यू आर नॉट हंग्री? भैया विल ईट चीज, चीज परांठी, टू चीज परांठी, बट डू वांट ईट, टेल मी। इसको इसको अभी आ रहा हूँ, इसको पूछो क्या खाएगी ये। परांठी, प्लेन परांठी, सॉल्ट परांठी। चलिए जी, मैं तो बनाऊँ, इनके तो काम ख़त्म ही नहीं होंगे कभी। हेलो, सो मम्मा बना रही है रोटी चीज़ परांठी मेरे लिए। साथ साथ में दाल को तड़का भी लग रहा है। हाँ जी। इधर दीदी को दिखाओ, दीदी क्या कर रही है? दीदी क्लीनिंग द सिंक। क्लीनिंग द सिंक? दीदी ने अभी भी डिशेस की है। और यहाँ पर मैंने दाल डाल दी है, पानी डाल दिया है। ये है कसूरी मेथी। टाइम 10 बज रहे हैं, बस इसको रख देती हूँ। एक सीटी में बन जाएगी ये दाल। यहाँ पर आलू का चीज़ परांठा रेडी हो रहा है। जब इसमें से चीज़ मेल्ट होता है ना, आलू को बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे एक और चीज़ परांठा मैंने बेल दिया है। अनाया खाएगी प्लेन परांठा, सो अनाया के लिए बनेगा प्लेन परांठा। ऑलमोस्ट डन। चला रे बेटे, पकड़ लेना ऐसे। अनाया से पकड़ो सारे इसके कंटेनर, इसके बैग में डाला रे, सुबह स्कूल जाएगी ये लेकर। मैंने सारे तो पैक करके रखे हैं। चल मेरा बेटा, आरव इज अ गुड बॉय। आरव पता है सुबह उठ के मेरे साथ अनाया को रेडी करवाता है, है ना आरव? मेरा गुड बच्चा है। तो खाना मेरा बन गया है, बच्चों ने खा लिया, अनाया खा रही है, आरव ने खा लिया। अब मैं अपना सुबह का स्नैक मैंने ऑलमोस्ट पैक कर लिया है, बस ये गाजर मैं अपने लिए पैक कर रही हूँ। तो जो आप जल्दी जल्दी बैठ के खाओ यहाँ पे। यू वांट टू गो इन देयर? आरव पहले इसको खाना खाने देना, अभी खेलना नहीं है। कच्ची गाजर खानी अच्छी होती है। इसको रखते हैं फ्रिज में। आरव खाना खा के प्लेट ना सिंक में रखा करो। या फिनिश इट, देन आई विल वॉश योर प्लेट। ओके, इस टेबल को साइड पे रख दिया। ये एलईडी ना सारा दिन चलता रहता है, अनाया चाहे देखे इसको चाहे ना देखे। दाल हमारी बन चुकी है, टेस्टी टेस्टी दाल। अभी मेरा मन किया सिर्फ दाल खाऊंगी, क्योंकि रात को मैं भी खाना नहीं खाती हूँ। बस स्कूल से आके आज मैंने मैगी खाई थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वैसे मैं यूजली मैगी नहीं खाती हूँ, बट जब आज आई, कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब परांठा बनाने का मन नहीं कर रहा था। जो चीज़ जल्दी बन जाती है वही बनाने का मन था। सो शर्मा जी ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ कुछ, तो मीन्स फुल्का। या मैंने कहा नहीं, मैं मैगी खा लेती हूँ, आप वो मंदिर जा रहे थे। सो फिर मैंने कहा नहीं, आप जाइए, आप क्यों रुक रहे हो, है ना। तो फिर वो चाय बना के दे गए थे मुझे, एंड मैंने फटाफट से मैगी बना ली, वो खाई। और उसके बाद मुझे इतनी नींद आई, मैं आपको क्या बताऊँ। हैबिट हो गई अभी रोज़ शाम को सोने की, तो वो उस टाइम पे 6:30, आज तो मैं 6 बजे ही सो गई थी। मतलब इतनी थकावट हो रही थी, कुछ मैगी ज़्यादा खा ली थोड़ी सी, सो फिर नींद आई।
एंड अभी कुछ भूख नहीं है क्योंकि आपको पता ही है मैगी वैसे भी जल्दी जल्दी हजम तो होती नहीं है, वैसे खाना नहीं चाहिए था बट कोई ना, कभी कभी हो जाता है। सो या अभी इस लाइट को ऑफ कर देती हूँ एंड काम सभी डन हो गए हैं। इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे को देखिए, इनको चलना तो होता नहीं है कभी, काउच के वहां उसको कोने पे खड़े होना। चलो अनाया ने भी खाना खा लिया, चलो 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 सो जाओ। मम्मा तो सोई थी शाम को, मम्मा को इस वजह से नींद नहीं आ रही, तुम लोग तो सोए नहीं ना। चलो अनाया भैया के साथ जाओ, सीनी करो चलो। ओके शी कैन स्टे विद मी, यू गो। काम सारे मेरे डन हो गए हैं, आई एम हैप्पी, थैंक्स टू अमन, अमन की वजह से ही जल्दी जल्दी सारे काम डन हो गए हैं। वो कहती दीदी मेरी छुट्टी है आज, अदरवाइज वो शाम को चली जाती है, समटाइम्स उसकी ओवरनाइट शिफ्ट्स होती हैं। सो आज वो घर पे थी तो उसने मेरी हेल्प करवा दी। बहुत प्यारी बच्ची है भाई, आज के टाइम में ऐसी लड़कियां नहीं होती हैं। सो बस थैंक्स टू अमन एंड उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। देखिए हर माँ बाप ही अच्छे अपने बच्चों को अच्छा सिखाते हैं, बच्चों पे भी डिपेंड करता है वो क्या चीज़ सीखते हैं, क्या फॉलो करते हैं। बट यू नो आजकल का तो टाइम ये हो रखा है कि बच्चे मतलब अपने पेरेंट्स की नज़रों के सामने रह के भी उनकी नहीं सुनते हैं या बड़ों का मतलब इतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बट इन द केस ऑफ अमन, वो कनाडा आ गई है बट फिर भी अपने संस्कार नहीं भूली, बहुत अच्छे से हमारे साथ रहती है, बहुत प्यार से बच्चों से बहुत प्यार करती है। अनाया तो लाइक अनाया की जान उसमें बसती है, उसकी जान अनाया में बसती है, ऐसे है इन दोनों का बॉन्ड। तो बस ये बॉन्ड ऐसा ही बना रहे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। एंड कभी कभी लगता है हमें कि पुराने टाइम का कोई रिश्ता होगा हमारा इसके साथ, अदरवाइज ऐसे तो कोई भी किसी को नहीं मिलता। और दिल से जो बॉन्ड बनता है ना, उसका तो मतलब उसकी तो बात ही अलग है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, बहुत जल्दी जल्दी से बनाया है बट मैंने सोचा कि कल मैंने नहीं बनाया था, परसों भी आई थिंक नहीं बनाया था या सो ऐसे तो नहीं चलेगा नेहा, मैंने अपने आप से बोला कि काम तो करना ही है। सो या ये था मेरा आज का व्लॉग, जो भी लोग वेट करते हैं आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, फॉर दैट सो सॉरी। चलिए जी मैं इस व्लॉग को वहीं पे एंड कर देती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।